हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट का जनरल नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज में एंशियंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, आधुनिक भारत के बारे में। इसमें हमारा एक वीडियो आ चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। और आधुनिक भारत में दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑलरेडी डिस्कस है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिक फैक्ट था, उसके अलावा कुछ कुछ साइट के बारे में और मेजर साइट में क्या क्या मिली है उसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमें कुछ कॉमन फीचर्स डिस्कस करने हैं जो आपको पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिटी वाली सिविलाइजेशन थी, तो क्या क्या कॉमन फीचर्स थे, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा एग्जाम में, और आपको जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आती है कि क्या क्या चीज़ थी उस समय के अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरिया में, वो अभी भी हमें हमारे अपने अर्बन एरिया में रिफ्लेक्ट होती है, तो आप बता सकते हो, वो आराम से लिख सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके अलावा क्योंकि हमें पता है बहुत चीज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी, फॉरेन से रिलेशनशिप था, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह से, बहरीन वगैरह से, तो उसमें हमें बताना कि कहाँ से क्या इम्पोर्ट होता था, और उसके अलावा क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे हम, क्या क्या बेचते थे। रिलीजन के बारे में डिस्कस करना है, इसमें पॉलिटी कैसी थी, गॉड क्या क्या थे, और यही सब टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर वीडियो जो 20 मिनट की आएगी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये वाला मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन कॉमन फीचर्स क्या क्या थे मेजर सिटीज़ के, मेजर जो सिटीज़ थी जैसे हरप्पा, मोहनजोदारो, वो सब सिटीज थी। सबसे पहले इसका प्लानिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग होता था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ साइट ऐसी थी, देखो हरप्पन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्ली हरप्पन और एक मेच्योर हरप्पन। तो जो 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 साइट मेच्योर हरप्पन वाला है, ध्यान देना, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसमें जो प्लानिंग होगी, पहले प्लानिंग कर लिया जाता था कि यहाँ पे सिटी होगी, यहाँ पे रोड होगी, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होगा, यहाँ पे जो वेल होती है, जो कुआं वगैरह होता है, यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले प्लानिंग कर लिया जाता था, उसके बाद शहर को बसाया जाता था ग्रिड सिस्टम में, क्लियर। उसके बाद बर्न ब्रिक, मतलब ऐसा नहीं कि कच्ची मिट्टी से नहीं बनाया जाता है, जो पकी मिट्टी होती थी उससे कंस्ट्रक्शन होता था, जो कि ज़्यादा दिन तक चल सकता था। उसके अलावा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो अंडरग्राउंड थी, ऐसे नहीं कि बाहर से पानी जा रहा है। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डेवलप पहले से ही था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। साइटेडल था, फोर्टिफाइड था, ध्यान देना। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शहर थी, शहर कैसे बटा होता था, शहर दो पार्ट में बटा होता था, एक अपर वाला पार्ट जिसको अपर साइटेडल, एक लोअर टाउन होता था, यहाँ पे आम लोग रहते थे। और यहाँ पे जो मेजर फीचर्स होते थे शहर के, जैसे मोहनजोदारो की बात करें तो जो ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, या जो मेजर असेंबली वगैरह हुआ करती थी, वो सब कहाँ पे हुआ करती थी, साइटेडल पे, जो टॉप टाउन होते थे। लेकिन जो छानुदारो एक जगह है, छानुदारो ऐसा जगह है जहाँ पे अपर साइटेडल यानी साइटेडल का फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। इसका मतलब हम ये समझ सकते थे छानुदारो बहुत पहले बना था, मतलब अर्ली हरप्पन का पार्ट होगा, क्योंकि तब तक उतनी प्लानिंग के बारे में लोग नहीं सोचे रहे होंगे, क्लियर। और एक और है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है सुरकोटदा। सुरकोटदा एक ऐसा साइट है, मात्र ऐसा साइट है जहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले, ध्यान देना, हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं हॉर्स के। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लोथल पे भी हमें हॉर्स के मिले हैं, लेकिन हो लोथल में हॉर्स के हमें टेराकोटा फिगर मिला है, मतलब मिट्टी के खिलौने हम बोल सकते हैं, टेराकोटा पे खिलौने मिले हैं, टेराकोटा स्ट्रक्चर नहीं होता था, वो मिले हैं हॉर्स को। तो वहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि लोथल तो एक पोर्ट सिटी था, कहीं और से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान भी वहाँ पे पड़ा मिला मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे बोन्स मिले हैं, यहाँ इसका मतलब वहाँ पे पाया जाता था, सिर्फ एक जगह है जहाँ पे हॉर्स मिला है, क्लियर। उसके अलावा मेन क्रॉप्स कौन कौन हुआ करते थे, मेन क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ली। उसके बाद जो ये वीट गेहूं होता है, ये जौ इसको बोलते हैं। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस का कल्टीवेशन मिला है,
लोथल में और रंगपुर में। लोथल में हमें नहीं बोले थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राइस हस्क मिला था, क्लियर, लोथल में मिला था। लोथल एक पोर्ट सिटी है, रंगपुर यानी सिर्फ यहाँ पे हमें मिला है राइस का कल्टीवेशन इन दोनों जगह पे। उसके बाद अदर क्रॉप्स जो है डेट्स मिला है, मस्टर्ड, सीसमम, कॉटन। कॉटन तो पूरे वर्ल्ड के जो पहली सिविलाइजेशन है जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, इंडस पीपल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली समझ गए ना, मैं बता चुका हूँ। अब क्रॉप्स की बात कर लिए तो एनिमल कौन कौन से एनिमल मिलते थे, देखो एनिमल जो मेजर एनिमल थे वो थे सीप, गोट, ऑक्सेन, जो ऑक्सेन, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल। हम्प ये होता है जैसे आपको पता है ना, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिसके यहाँ पे गर्दन के थोड़ा पीछे, गर्दन यहाँ पे होता है, गर्दन के थोड़ा पीछे एक निकला नहीं होता, रीढ़ टाइप का, रीढ़ नहीं बोल सकते, गर्दन के आसपास नहीं निकला होता जैसे बैल वगैरह में निकला होता है। तो हम्प एंड हम्पलेस बुल यहाँ पे मिलता था, वो फैलो मिलता था, बोर मिलता था, डॉग मिलता था, कैट, पिग, फाउल, डियर। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगी कौन कौन मिलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि क्या हर जगह हॉर्स मिलता था, तो नहीं, सिर्फ एक जगह हमें मिले हुए हैं। लायन के बारे में इंडस पीपल को पता ही नहीं था, क्लियर, लायन के बारे में इंडस पीपल को पता ही नहीं था। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ देखो इंडियन राइनोसोरस का आपको सिंपल समझ में ही आ जाएगा क्योंकि इंडियन राइनोसोरस जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस भी बोलते हैं उनको, उसको तो उसका मेजर जो पार्ट है जहाँ पे रहता है वो आसाम में है, काजीरंगा और भी नेशनल पार्क है वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे मिलने का तो चांस बहुत रेयर ही रहा होगा क्योंकि इसको जो फैसिलिटी चाहिए होती है इस पर्टिकुलर जानवर को तो वहाँ पे नहीं मिली होगी। तो समझ लो राइनोसोरस सिर्फ एक जगह पे मिला था, अमारी एक जगह है वहाँ पे, क्लियर। देयर वार एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड होता है, भाई ऐसा नहीं कि अपने में खरीद बिक्री कर रहे, मतलब एक क्लोज इकोनॉमी नहीं हम बोल सकते, एक ओपन इकोनॉमी थी जहाँ पर रिलेशनशिप दूसरे देशों से भी होता था, फॉरेन ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड जैसे मेसोपोटामिया से होता था, मेसोपोटामिया और सुमेरिया जिसको इन दोनों दोनों एक ही नाम है, इसको जो मॉडर्न इराक वाला पार्ट है ना, इराक जो कि इराक ऐसे है पर्शियन गल्फ से होके, यहाँ पे जो सबसे पर्शियन गल्फ से होते हुए जाते थे तो सबसे कॉर्नर पे नहीं आता वो इराक, उसके बाद बहरीन से होता था रिलेशनशिप, बहरीन एक आइलैंड कंट्री है छोटा सा, क्लियर। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो किस जगह से होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो थोड़ा देख लेते हैं। गोल्ड की बात करें, गोल्ड हमें कोलार, अभी भी आपको पता है कर्नाटका के यहीं ऐसा माइनिंग सेंटर है जहाँ से गोल्ड आता है, अफगानिस्तान से भी ये खरीदते थे, पर्सिया से भी खरीदते थे, पर्सिया जो ईरान का पुराना नाम है, क्लियर, जैसे मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। उसका सिल्वर कहाँ से खरीदते थे, अफगानिस्तान से, पर्शिया से, साउथ इंडिया से, क्लियर है, साउथ इंडिया जैसे। उसके बाद कॉपर कहाँ से खरीदते थे, खेतरी राजस्थान एक जगह था वहाँ से, बलूचिस्तान से, अरेबिया से, क्लियर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। टीन कहाँ से खरीदते थे, अफगानिस्तान और बिहार से। लापिस लजूली एंड सफायर कहाँ से खरीदते थे, बादकशान जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है। जा जेड कहाँ से खरीदते थे, ये सेंट्रल एशिया से खरीदते थे। स्टेरेटाइट कहाँ से खरीदते थे, स्टेरेटाइट वहाँ भी मिलता था, सहरे सोख्ता जो कि ईरान से, और किरतर हिल पंजाब पाकिस्तान से आता था। अमेथाइस्ट कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो ये सब कुछ आपको एकदम रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा एक बार नज़र दौड़ा गया हो गया। अगेट, साल्सिडोनीस, ये सब कहाँ से मिलते थे, सौराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया से मिलते थे, क्लियर। तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता चल गया। अब मेजर फैक्ट्स है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फैक्ट्स वगैरह। सबसे पहले एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते थे, सबसे पहले आपको पता है कॉटन मिलता है, क्यों रखेंगे, सिर्फ खुद खुद के लिए थोड़ी कॉटन उपजाएंगे, तो कॉटन बेचेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इतना उपजा रहे हो वो बेच रहे हो, कॉटन कर रहे हो, टेराकोटा जो बनाते थे इतना सारा बना रहे हैं, क्यों अपने लिए थोड़ी रखेंगे, पॉटरी जो बना रहे हो जिस पर रेड एंड ब्लैक कलर का पेंटिंग करते थे, सर्टेन बीड्स जो बनाते थे, बीड्स जैसे छानुदारों से बेचते थे, कौन सेल बनते थे, तो ये सब लोथल से मिला हुआ है, आइवरी प्रोडक्ट और कॉपर ये सब बेचते थे, जो जो ऐसे होते थे ना जैसे
बीड्स मतलब होता है मन का, ऐसे चीज़ होते हैं जैसे आप गले में पहनने के लिए यूज करते हैं, या कुछ छोटा छोटा यूज होता है डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ये सब बेचा जाता था। ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको फंसा सकता है। क्लियर? तो ना आयरन मिलता है ना लायन मिलता है। क्लियर? सुमेरियन टेक्स्ट बताता है, ध्यान देना, सुमेरियन टेक्स्ट यानी मेसोपोटामिया यानी इराक वाला, वो बताता है कि वो ट्रेड करते थे मेलुहा से। मेलुहा से मतलब सुमेरियन बताते हैं कि सर हम ट्रेड करते थे मेलुहा से। सो सुमेरियन के टेक्स्ट में मिला, इसका मतलब वो मेलुहा किसको बोलते थे? मेलुहा को वो लोग बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोलते थे। क्लियर है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूरी तो रही है उस समय, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई हमने यूज किया, हमें पता चला तो हमने कुछ और नाम रख दिया। हो सकता है कुछ डिफरेंट नाम कोई और बुलाते थे, नहीं रहा होगा। सातु घाई एंड मुंगी मुंडी गाक वेर द इंडस साइड फाउंड इन अफगानिस्तान। ये आपको पता है सबसे, मतलब ये दोनों साइड जो है अफगानिस्तान में मिलता है। सुमेरियन टेक्स्ट अल्सो बताता है कि दो इंटरमीडिएट स्टेशन थे, जैसे एक बहरीन वाला था एक मकान वाला था, मकरान कोस्ट पे है, और सुसान वोर आर उर आर मेसोपोटामियन प्लेस जहाँ पे हरप्पन का सील मिला है। तो सुसान उर जो कि इराक का जगह है, तो लोग इराक से डायरेक्ट ऐसा नहीं आ जाते थे कि सीधा आ गए, इराक से डायरेक्ट आ गए इंडिया, नहीं भाई वो पहले डिलमन में रुक, हो सकते हैं रुक के आ रहे, स्टेशन कर रहे हैं वहाँ पे, मकान पे कर रहे हैं, मकान यानी जो मकरान कोस्ट है वहाँ पे कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं वहाँ पे। क्लियर? द हरप्पन वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ये तो हमने देख ही दिया। इट वॉज कॉल्ड सिंडो बाई ग्रीक, इसको सिंडोन बोलते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंडोन बोलते हैं। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ क्वाइन, मतलब ऐसा कोई क्वाइन वाइन का नहीं मिला। देखो ध्यान देना, जो भी क्वाइन मिले ना, तो क्वाइन में अधिकतर क्या होता था, अधिकतर क्वाइन का यूज वो लोग आइडेंटिटी पर्पस के लिए किया जाता था, एक देश से दूसरे देश में ट्रेड वगैरह के लिए किया जाता, लेकिन क्वाइन उतना बहुत प्रचलित नहीं था, मतलब कि हर चीज़ के लिए क्वाइन ही यूज करते हैं। यानी एज देर इज नो एविडेंस ऑफ क्वाइन, वाटर इज एज्यूम, मतलब लगता है कि वाटर सिस्टम वहाँ पे बहुत रहा होगा, जैसे आप मुझे गेहूँ दे दो मैं आपको ये दे देता हूँ पेंट नील। क्लियर? लोथल वॉज एस एंशियंट पोर्ट, आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि थे प्राइमरली और अर्बन थी, अर्बन सोसाइटी थी। देर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज ए क्लास ऑफ मर्चेंट, मतलब ऐसा कुछ किस टाइप की पॉलिटी थी वो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जो रूलिंग अथॉरिटी होगी वो मर्चेंट होगी, क्योंकि अर्बन एरिया है, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो मर्चेंट होगा उसका थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटी होगा। द हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड इन टेम्पल, नो टेम्पल इन फैक्ट हैज अनअर्थ, मतलब एक भी टेम्पल ही नहीं मिला। एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म फ्रॉम द स्टैचू एंड द फिगरिंग फाउन, मतलब रिलीजन का आइडिया इन लोगों को पता चला है, जैसे पशुपति का मूर्ति मिला या मदर गॉडेज का मिला, तो थोड़ा बहुत रिलीजन का पता चल गया था इस बात से, लेकिन कोई एज सच कोई टेम्पल वेम्पल नहीं मिला है। क्लियर? तो अगर बात करें रिलीजन की, रिलीजन के लिए गॉड होंगे द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर, जो कि मदर गॉडेज मिलता था, जिनको मैत्री देवी और शक्ति भी बोलते थे, और योनि की भी पूजा होती थी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि थोड़ा जो सोशल स्टिग्मा नहीं था इस सब बात को लेके, मेस्टुरल साइकिल इस सब बात को लेके सोशल स्टिग्मा नहीं था, यानी समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था, ये समझ रहे हो ना, इस सब की पूजा करने से। द चीफ मेल डिटी, देखो वुमेन की जो पूजा होती थी, यानी हम ऐसा नहीं सोच सकते, समझ सकते कि यहाँ पे बहुत हार्ड कोर पैट्रियार्कल सोसाइटी था, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फीमेल का पूजा नहीं होना मतलब थोड़ा रेयरिटी मतलब रेयर होता, लेकिन यहाँ पे दोनों की पूजा हो रही है, यानी थोड़ा इक्वालिटी वाला हमें सोसाइटी लगता है। चीफ मेल डिटी जिसको हम पशुपति महादेव बोलते हैं, जो कि जो कि यहाँ पे प्रोटो शिवा जिनको बोला जाए, मैंने आपको बताया था कि एक शिवा है, उनके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, जो योगी पोस्चर में नहीं होता, योगी पोस्चर ऐसे करके मंत्र पढ़ रहे, ओ मैं ऐसे बोल रहे हैं,
तो योगी पोस्चर में है, और उसके चारों तरफ जो एनिमल है उनका, उसका नाम है एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। तो ये सब पता चलता है कि यहाँ पे ये जानवर सब तो मिलते रहे होंगे, कि ये मतलब ये जानवर सब नॉर्मल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इनके साथ ना हॉर्स देखिएगा ना लायन देखिएगा। इसका मतलब हॉर्स और लायन थोड़ा रेयर था, मतलब दोनों के लिए एक 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 साइट ही ऐसा है जहाँ पे एक जगह हॉर्स मिला है, एक जगह लायन मिला है। मतलब लायन तो मिला ही नहीं है, राइनोसोरस एक जगह मिला है। तो यानी यहाँ पे आप लायन नहीं देख सकते, हॉर्स नहीं देख सकते, राइनो राइनो आप देख सकते हो, यानी राइनो एक जगह मिला है लेकिन था रेयर। दो डियर भी मिले हैं इनके फीट के पास बैठे थे, और लिंग की भी पूजा होती थी, फैलिक जिनको जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेल की भी पूजा हो रही है, फीमेल की भी पूजा हो रही है। शिव शक्ति दोनों की पूजा हो रही है, शिव जिनको मेल पार्ट काउंटर पार्ट बोल सकते हैं, शक्ति का मतलब शिव फीमेल है और शक्ति फीमेल। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ आर अपन पीपल। क्लियर। उसके बाद द रिमेन्स एंड रिलिक्स आर ऑल्सो रिवॉल्व द जुलेट्री, दैट इज एनिमल वर्शिप भी होता था, टी वर्शिप भी होता था, जैसे पीपल की पूजा हो रही है, एनिमल की पूजा हो रही है, मतलब जो एनिमल जो भगवान ऐसा मानते थे, जो एनिमल भगवान की सवारी करते हैं, मतलब भगवान जिसकी सवारी बैठ के जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी तो पूजा होनी ही चाहिए। और यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी मिला है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया कर पाए हैं, लेकिन इससे एक चीज़ तो एटलीस्ट पता चला है, कालीबंगा में एक राइटिंग मिली है उससे पता चला है कि ये जो लिखावट है वो बॉस्ट्रोफेडन है। बॉस्ट्रोफेडन ऐसे होता है कुछ इधर से इधर गए, हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ लिखे फिर यहाँ से आकर यहाँ शुरू करते हैं फिर यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं था, यहाँ से यहाँ ख़त्म किया फिर इधर से ही लेके ले आ गए, फिर इधर से ख़त्म किया इधर से लेके आ गया, ये वाला होता है। ये प्रोटो, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, इसे प्रोटो द्रविड़ियन भी बोला जाता है। क्लियर। अब ये छोटा सा एक चीज़ है, द ऋग वेदा स्पीक्स ऑफ ए बैटल। ऋग वेदा बताता है, ऋग वेदा कौन सा है, वेदिक एरा का, वो बताता है कि एक लड़ाई हुआ था, हरियम पिया मतलब हरियम पिया लड़ाई हुआ था, जिसको बताया जाता है हरप्पा में, हरप्पा में जो लड़ाई हुआ था उसको ऋग वेदा लिखाता है हरियम पिया। मतलब ऋग वेदा तो हरियम पिया बोलता है, हरियम पिया बोलता है, हम उन्हें समझते हैं कि वो तो हरप्पा ही रहा होगा, यानी हरप्पा में लड़ाई वराई हुआ होगा। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर द्रविड़ियन, द्रविड़ियन जो कि अभी साउथ इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेकर्स है वो द्रविड़ियन ही है। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन था, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अर्बन बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम या अर्बनाइजेशन के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो अभी तक जैसे के तैसे हैं और वो अभी तक चल रहे हैं। जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें अभी तक है, रिचुअल बाथिंग अभी भी होता है, प्लानिंग करके शहर बसाना अभी भी होता है, जैसे चंडीगढ़ आप सूरत को देख सकते हो, इस सबको। तो लेकिन बहुत सारे सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सब सिविलाइजेशन में जो होता था पहले, जैसे ग्रीस, इन सब में होता था पहले, वो अब नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ये इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, तो समझ गए ना, इसमें इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, आज शाम में ही वीडियो आएगा वैदिक कल्चर, और एक चीज़ मुझे और बताना है आप लोगों को, तो वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो सेपरेट में हम लोग बताना चाहते हैं इस चैनल का फ्यूचर प्लान क्या क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें आपका सहयोग होना चाहिए, आप फीडबैक दोगे, फिर सब कुछ डिस्कस करने के बाद, आपका फीडबैक लेने के बाद ही ये स्टार्ट होगा, कि देखेंगे आप लोग क्या चाहते हो। क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच।